सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कपल के बारे में पढ़ा और आज हम लोग एक कपल का न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिससे कि आपको कपल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो लेट्स प्रोसीड। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली ऑन द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर फ्रीली पाइवोटेड एट द सेंटर। तो एक आपका यूनिफॉर्म रॉड है जो कि 100 सेंटीमीटर का है और इसके दो एंड्स पे फोर्सेज लग रहे हैं और एक फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और एक फोर्स जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है। और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, आपको 2 न्यूटन की वैल्यू है और जो लेंथ है रॉड की वो है आपको 100 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि वो सेंटर पे जो है वो रॉड जो है वो पाइवोटेड है। सो आगे पाइवोटेड मतलब या पाइवोटेड बोल सकते हो या हिंज्ड भी बोल सकते हो, मतलब वो उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है फ्रीली। ओके, सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। सो हम लोग यहाँ पे इसका एक पिक्चर बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये रॉड है आपका और वो रॉड जो है वो सेंटर पे जो है पाइवोटेड है। ओके, पाइवोटेड है मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो पाइवोटेड का मतलब यही है। और यहाँ पे बोल दिया है क्या कि आपको दोनों एंड्स पे आपके क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। और क्या लग रहा है, एक अपवर्ड लग रहा है और एक क्या है डाउनवर्ड। सो एक ये अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड में बना देता हूँ, F=2 न्यूटन। और हमारे पास जो रॉड का लेंथ है वो कितना है, 200 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया था कपल के बारे में, तो कपल जब भी फॉर्म होगा वो एक पेयर ऑफ फोर्सेस से फॉर्म होता है जो कि इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट होता है। तो लाइन ऑफ एक्शंस आप देख रहे हो दोनों का डिफरेंट है और ये मैग्नीट्यूड्स जो हैं फोर्सेस के वो इक्वल हैं, इनके साइंस ऑपोजिट है, इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। देख सकते हो सिंपली एक वर्टिकली अपवर्ड है एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो कपल यहाँ पे फॉर्म होगा और आप मोमेंट ऑफ कपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है अबाउट द सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट ये आपका पाइवर्टेड है। ओके, जिसके अबाउट पाइवर्टेड है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो मोमेंट का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला तरीका है सिंपल, MOF आप निकाल लो, मोमेंट ऑफ फोर्सेस सीधा आप निकाल सकते हो यहाँ से। MOF विल बी इक्वल टू, कैसे करोगे, पाइवट के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स है वो कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर के देखते हो तो ये वाला जो फोर्स है आपका जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो कैसा इसको रोटेट करेगा, लाइक दिस, इसको ऐसा रोटेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है। और आप राइट हैंड साइड वाले को फोर्स को देखोगे तो ये कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ये भी आपका देखो इस पॉइंट पे खड़े होकर देखो तो ये नीचे की तरफ ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, सो ये भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों का क्या है, साइन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। और हम लोग मोमेंट किसके अबाउट निकालते हैं, मोमेंट हम लोग हमेशा जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है क्योंकि इसके अबाउट ये पाइवर्टेड है तो इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द रॉड, तो ये डिस्टेंस है आपकी 100 सेंटीमीटर। तो पहले इस फोर्स की वजह से निकाल लेते हैं। सो दिस इज 2 × जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 प्लस ये वाला जो फोर्स है आपका ये भी 2 न्यूटन का है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे सो इट गिव्स यू 400 न्यूटन एंड डिस्टेंस आपका कितना है सेंटीमीटर में, सो ये हो जाएगा न्यूटन सेंटीमीटर। सो एक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 200 सेंटीमीटर नहीं है, ये 100 सेंटीमीटर है गिवन इन द क्वेश्चन। सो 100 है तो 100 का हाफ 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लेना है 50, यहाँ पे भी सिमिलरली 50 हो जाएगा। सो इट्स 100 + 100 = 200। ओके, सो आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से एक निकाल सकते हो। और एक और तरीका है जो आप मोमेंट ऑफ कपल से सीधे निकाल सकते हो, MOC, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल में मैंने बताया था आपको जो कपल है तो कपल में से आपको एक फोर्स लेना है, एक फोर्स की वैल्यू अपने लिए इनटू
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट्स 100 सेंटीमीटर. सो आपका ये कितना जाता है, ये यहाँ से भी आप एक लाइन में आंसर आप निकाल सकते हो, दिस इज 200 न्यूटन सेंटीमीटर. ओके, और जब आपको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो दैट्स वाई 200 बाई 100 करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये आपका हो जाएगा SI में. सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ कपल निकाल करके, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. होप कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया हो. सो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटी याद दिला दूँ. मैंने आपको ग्रेविटी का मतलब बताया हुआ है पहले के वीडियोज़ जब आप देखोगे, तो वहाँ पर जब हम लोग फोर्सेज की बात कर रहे थे और जो हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था. ओके, उसी में हम लोगों ने ग्रेविटी देखा था. तो एक्चुअली होता क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो भी दो बॉडीज़ के पास मास है तो उनके बीच में वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. तो किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतनी बड़ी उसकी फील्ड होगी और वो उतना ही ज़्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट कर पाएगा अपने तरफ. और मैंने ये भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ जो है एक मैसिव सिर्फ बॉडी है, तो इसका मास बहुत ज़्यादा है और ये जो है सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपने तरफ. तो आपका जो अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ. ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखी होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखी हुई है, तो इस अर्थ का जो है सेंटर होगा ना, क्योंकि इसका आप जो है स्फेरिकल शेप मानते हो तो इसका एक सेंटर भी होगा. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है कोई, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है ये और ये अर्थ है. तो अगर ये हमेशा ये एक दूसरे को, ये मास जो है इसका M1 है एंड दिस मास इज़ योर M2. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया था वहाँ पे FG इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम सिंपली. ओके, सो यहाँ पे जो M1 है, M1 जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ओके M2 से, तो ये अर्थ जो है अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करता है. ओके, तो ये जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी. उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी. और ये जब भी हमेशा अट्रैक्ट करेगा ना, ये अपने सर्फेस की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है ना, हमेशा. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमेशा इसका सेंटर, इसको सी में लिख देता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट है आपका. तो जब भी अर्थ खींचेगा किसी ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा खींचेगा अपने सेंटर की तरफ. ये जो ग्रेविटी है, यही ऑब्जेक्ट का वेट होता है. जो मैं बोला करता था कि वेट क्या है, तो वेट जो है, वेट कुछ नहीं है, सिंपली जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही आपका उस बॉडी का वेट हो जाता है. जिस वेट को हम लोग क्या करते हैं, उस वेट को हम लोग डिनोट करते हैं W से, उस वेट को हम लोग डिनोट करते हैं W से, और दैट इज इक्वल टू, W इज इक्वल टू होता है उस बॉडी ऑब्जेक्ट का मास इनटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, है ना. और G की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो अगर ये अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने तरफ खींच रही है, तो वो हमेशा क्या, सेंटर की तरफ खींचेगी. ओके, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, सरफेस की तरफ तो अट्रैक्ट कर ही रही है, और लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, उसके सेंटर की तरफ. ओके, और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है उस ऑब्जेक्ट में, इतना का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स, फोर्स है ना, फोर्स है ये, सिंपली ये क्या है, फोर्स है. और कौन सा फोर्स, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ जो है उस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ओके, सो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा. सो नाउ सपोज कोई बॉडी है, ओके, तो इस बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ओके, इस बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट्स आप मान सकते हो, है ना. ये बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से बना होगा. ओके, तो आप इसको छोटे छोटे मास मान सकते हो, है ना. तो अगर मान लो अर्थ जो है, अर्थ है यहाँ पे, अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ, तो आप यहाँ देख सकते हो होगा सारे पॉइंट्स का वेट जो है क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. सारे पॉइंट्स पे जो है फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा,
है ना, क्योंकि अर्थ जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सब। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे फोर्स में बना सकता हूँ। ओके, सब वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो है एक्ट कर रहा होगा, तो सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ वेट है। तो जब सारे पॉइंट्स का वही है, सारे पॉइंट्स पे जो वेट लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, तो आप जो है इन सारे फोर्सेस का जब आप रिजल्टेंट निकालते हो ना, जब आप रिजल्टेंट निकालते हो, तो वो रिजल्टेंट मतलब क्या कि इन सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करते हो, क्योंकि ये सारे फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, भले ही इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हों, लेकिन ये फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये हमेशा आप इसको क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, एल्जेब्रिक सम करोगे, सिंपली एल्जेब्रिक सम कर दोगे। ओके, और रिजल्टेंट निकाल लोगे, तो एल्जेब्रिक सम जब आप करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट आपका टोटल वेट आ जाता है। ओके, और ये आपका कुछ नहीं है, टोटल वेट W है, और टोटल वेट W जो है वो कैसे बना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के वेट्स को जोड़ करके W1, W2, W3, W3 ऐसे एंड सो ऑन ऐसा करके। और जब सब का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो वही आपका क्या कहलाता है, वो उस पूरे होल बॉडी का वेट कहलाता है। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के अबाउट आपका वेट एक्ट करता है ना, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। क्या मैंने बोला, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, मतलब वहाँ पे उसका वेट एक्ट करता है। ओके, तो वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हम जो डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे सपोज एक रॉड देखते हैं। ओके, सपोज हमने एक रॉड देखा, तो रॉड की क्या होगी, एक एक्सिस होगी ना, रॉड की क्या होगी, एक एक्सिस होगी, इसको हम लोग एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो रॉड की एक्सिस है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलने का मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस हो जाएगा। तो अगर सपोज मैं इसके, अगर मैं इसको मार्कर के ऊपर रखता हूँ इस बॉडी को, तो इस पे क्या होगा, इस पॉइंट के, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कुछ फोर्सेस हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ फोर्सेस आप देख सकते हो, तो इनके कारण मोमेंट होगा। तो राइट हैंड साइड वाले जो फोर्स हैं आप देख सकते हो उनका, उसका डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस, सो दिस इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन। लेफ्ट साइड जो फोर्स है उसका आप देख सकते हो मोमेंट, वो कितना है, वो क्या है आपका एंटी क्लॉक वाइज, है ना। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो वहाँ पे नेट मोमेंट होगा, ये समेशन का साइन मैं दे रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये बात भी आप याद रख लेना कि अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी द समेशन ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने रॉड की बात मैं बता रहा था, तो इसका जो एक्सिस है, तो इसका एक्सिस का जो सेंटर होगा, जो एक्सिस का जो सेंटर होगा ना, वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस पॉइंट के अबाउट इसका सारा वेट जो है कंसंट्रेटेड होगा, इसको आप यहाँ W बोल सकते हो सेंटर। जैसे हम लोग वहाँ पे रूलर का एग्जांपल लेते थे या रॉड का एग्जांपल लेते थे, तो देखते थे हम लोग यहाँ पे उसके सेंटर से एक्ट करता है वेट, है ना। तो सिंपल सी वही चीज़ है। और यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे जो हमारे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ सपोज मान लो कि सिलेंडर हो गया, या ट्रायंगुलर शेप हो गया, या सर्कुलर शेप हो गया, या रिंग शेप हो गया, तो आप वहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहो। थैंक यू वेरी मच।